मुखी जी बस कीजिए, काम छोड़ दीजिए अब और जल्दी से ये कुर्ता पहन लीजिए और तैयार हो जाइए, उठिए। ओहो, ये तो नया कुर्ता है, आज कोई त्योहार है क्या? हाँ है, आप यही समझ लीजिए। मुखी जी, रेनु दी कितने दिनों बाद वापस आई है, तो उनकी खुशी के लिए हमने सोचा क्यों ना दोबारा भाई दूज मनाए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना? बावरे, दिक्कत की होगी मने, जब तू है तो सारी दिक्कतें मेरे से दूर भाग गई, सारी खुशियां लौट के फिर से आ गई हैं। देखना, इतने सालों तक मेरी बहन जो मेरे से दूर थी, आज मेरे पास है और उसके साथ आज भाई दूज मनाऊंगा मैं, और ये सब तेरी वजह से मुमकिन हुआ है। बावरी, कितना कुछ करती है तू हमारे लिए। मुखी जी, अगर रेनू दी आपकी बहन है तो वो हमारी भी तो ननद है ना, और मुखी जी आप हमारे लिए सब कुछ है, तो आपकी चीजें भी हमारी हुई, रिश्ते नाते सब कुछ। चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाइए, रेनु दीदी हमारा इंतजार कर रही होंगी। तो बढ़िया। मुखी जी, वैसे हम सोच रहे थे कि कल रात जो वो गुंडे आए थे, क्या उनके बारे में हमें पुलिस को बताना चाहिए? नहीं नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके पीछे हमारे परिवार में से कोई है। आपका मतलब है साक्षी जी और माँ? दोनों में से एक तो है, और कौन है उसका पता लगाएंगे, उसके बाद देखते हैं। भाई जी, आपका ये दिया तोहफा मेरे लिए बहुत ज्यादा अनमोल है। खुश रहे। मानस, मैं तेरे तिलक कर देती हूँ। हाँ दीदी, जल्दी करो, आपके लिए गिफ्ट तैयार है। ठीक है। वेलकम दीदी। मुखी जी चलिए हमारे साथ। क्या आफत आ गई? अरे आफत नहीं आई है, हमें खरीदारी करने जाना है, चलिए। किसके लिए? अरे आप चलिए तो सही, हमें रेनू दीदी के कपड़े खरीदने जाना है, चलिए। हाँ। अरे गेंडा और खरगोश, हम और बब्बर से ना बाजार जा रहे हैं, तो हमारे पीछे से बुआ का ख्याल रखना, समझ गए? आप चिंता मत करो, हम लोग बुआ का पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो। और शरारते मत करना आप दोनों। नहीं करेंगे। हम उसे थोड़ा और कहते ना, तो वो 100-200 रुपए और कम कर लेता। अरे 100-200 रुपए में के हो जाएगा तेरा? हवेली बन जाएगी एक और के? मुखी जी हवेली नहीं, हमारे ताऊ जी कहते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। ताऊ जी भी कहते थे? मुखी जी, कोई बात ना है। मुखी जी, मुखियान जी, मुखी जी ने मुझे देख लिया। कल मेरी और बाबरी की शादी की सालगिरह है, और इसी खुशी के मौके पर मैं एक शानदार पार्टी दे रहा हूं।
पार्टी की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर आप सबको भी पार्टी में आना है ना, तो एक बात याद रखना, मैंने कोई भी तमाशा या बखेड़ा ना चाहिए। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। बावरी, आज तो तू गजब ढा रही है। आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। यो देख, हमारी शादी की सालगिरह पे तेरे लिए तेरी तरह एक खूबसूरत तोहफा, कैसा लगा? बहुत सुंदर है। ये बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू मुखी जी, पर सॉरी, आपके लिए तोहफा लाना तो भूल ही गए। अरे कोई बात ना है, तेरी मुस्कान ही मेरा बहुत बड़ा तोहफा है। तैयार हो जा, मेहमान लोग आ रहे हैं। आजा बोल। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हमारी सालगिरह और हम आपके लिए तोहफा लाना भूल जाए। ओ लाइए तोहफा, जल्दी बता के लाइए ना, फटाफट। अरे खोल जल्दी। झुकिए तो सही। अरे झुकने का क्या, लगा दे सही। थोड़ा सा झुक जाए ना मुखी। अरे झुकने का क्या, तू ऊपर आ जा। हाँ मुखी जी, पूर्वी ने आपकी बहन को कोठे पर घोड़ा था रेणु को। क्या बोले जा रहे हैं बाबा? मुखी जी ये झूठ बोल रहे हैं, हम तो जानते भी नहीं थे कि रेणु दीदी आपकी बहन है। ये झूठ बोल रहे हैं बाबा, फिर से क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे तो आप सच बता देना, सच क्या है, बोलती क्यों नहीं, मुंह में दही जमा रखा है क्या तूने? अरे बुढ़ापे में अपने बाप को क्यों जेल भिजवाना चाहती है तू? मुखी जी, ये आपको सच नहीं बताएगी, पर आप मुझसे सुनिए उस दिन क्या हुआ था, सच सुनिए। बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो, और ये लड़की कौन है? पूर्वी बेटा, ये मुखी जी की बहन है, तेरी ननंद हवेली जाना चाह रही थी तो मैं इसे पहुँचाने जा रहा हूँ बेटा। कोई जरूरत नहीं है इसे हवेली पहुंचाने की। जिस मुखी ने आपकी बेटी को बेइज्जत करके हवेली से निकाल दिया, उस मुखी की बहन की मदद नहीं बल्कि अपनी बेटी की बेइज्जती का बदला लीजिए आप। हम तो कहते हैं इसे किसी कोठे में जाके छोड़ दीजिए, ताकि हमें बेइज्जत करने की सजा मिल सके, उस मुखी को अपने किए की सजा मिल सके। उर्वी बेटा ये क्या कह रही है तू? मुखी जी तेरे पति है, उनका परिवार तेरा परिवार है, फिर उनकी बहन तेरी ननंद के साथ बेटा ऐसे कैसे? हम बदला लेना चाहते हैं मुखी जी से। उन्होंने अपने परिवार को तोड़ने की और उनकी जिंदगी बर्बाद करने का झूठा इल्जाम लगाया है हम पे। जो दूसरों के घर की बेटियों को सजा दे सकता है, तो उनके घर की बेटियों को भी तो सजा मिलनी चाहिए ना। अरे बेटा, तभी उन्हें पता चलेगा, उन्हें अपने किए की सजा मिलेगी। ले जाइए इसे और जाके किसी कोठे में छोड़ दीजिए। मुखी जी नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं बाबा, भी क्या उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हैं? अब क्यों हमारा बसा बसाया घर उजाड़ने में लगे? मुखी जी बाबा जो कुछ भी कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। ये जो कहानी सुना रहे हैं वो मनगढ़ंत कहानी है, हम आपको सच बताते हैं क्या है।